ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने नील को कई बार फोन करने की कोशिश की पर उसने उठाया नहीं। तुम्हारी बात हुई है उससे? मैंने भी कोशिश की लेकिन बात नहीं कर रहा। इस बार आरवे ने लिमिट क्रॉस कर दी। क्या करें उसका? इस पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। हमें इस वक्त नील पर ध्यान देना चाहिए। कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना होगा उसके साथ। उसका दिल टूटा है अभी। उसे हमारी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। आई नो, लेकिन उसने एक दो दिन मांगे है ना, तो उसे वक्त देना पड़ेगा। हमें इस शौक से तभी उबर पाएगा जब इस शौक को प्रोसेस कर पाएगा, समझ पाएगा। उसके लिए उसे खुद के साथ टाइम बिताना होगा। ध्यान रखेंगे उसका, बात करने की कोशिश करते रहेंगे, कहाँ है, क्या कर रहा है, ख्याल रखेंगे, लेकिन वक्त देना होगा उसे। रोहन ने बताया था कि हॉस्पिटल आया था। देते हैं नील को उसका टाइम, उसका स्पेस। अभी ये सोके अक्षु, ठीक है? चांदी से कटा है, इसका निशान शायद कभी ना जाए। हाँ, जो हुआ है उसका निशान जिंदगी भर रहेगा। ये जख्म मुझे जिंदगी भर आज का दिन याद दिलाता रहेगा। मना किया था ना तुमने, क्यों स्ट्रेस लिया तुमने इतना, क्यों बोला तुमने आरोही को वो सब? अभी अक्षु, तुम दोनों यहाँ आओ, कुछ पूछना है। ये देखो, तुम दोनों को कुछ दिखाना है। अरे, दो दिन बाद नील का बर्थडे है ना। जिंदगी में ना कभी उसका बर्थडे धूमधाम से नहीं मनाया, इस बार मनाते हैं। और बच्चे को लेकर वो इतना खुश है, उसकी खुशी और दुगनी कर देते हैं। मैं तो चाहती हूँ इस बार उसका बर्थडे ना जिंदगी का सबसे स्पेशल बर्थडे हो। नहीं माँ, एक बार नील से बात कर लेता हूँ, क्या पता उसका अपना खुद का कोई प्लान हो। हाँ, दोस्तों के साथ कुछ प्लान बनाया हो तो? अरे बेटा, दोस्तों के साथ सारा प्लान 12 बजे खत्म हो जाता है, और वैसे भी खुशियों का कोई मुहूर्त थोड़ी ना होता है। अच्छा ठीक है, उसे उसे पूछ कर फिर ही प्लान करें। माँ लेकिन, पर अभी एक बार बच्चा हो गया ना, फिर चाहे किसी का भी बर्थडे हो, केक तो वही काटने वाला है। तो एक आखिरी साल नील के बर्थडे का केक उससे कटवा लेते हैं। और मैंने तो घर पे सबसे बात कर ली है। भाई साहब, दीदी, शिफाली, निष्ठा, पार्थ सब मान गए। सबका यही मानना है कि इस साल नील का बर्थडे जो है ना, ऐसा मनाएंगे कि याद रह जाए बस। अरे भाड़ में गया तुम्हारा सॉरी, और भाड़ में गई तुम। नील, आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम्हें हक भी है मुझसे गुस्सा होने का। मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ, तो तुम डांट लो, चिल्ला लो, जितना मर्जी चाहिए गुस्सा कर लो, पर प्लीज प्लीज एक बार बात कर लो ना मुझसे, प्लीज।
अरु 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 बेटा, तू रो रही थी क्या? नहीं बड़े पापा, वो मुझे माइग्रेन हो रहा था तो मैंने ये बाम लगाया, उसकी वजह से आंख में पानी आ गया। अगर सर दर्द था तो बड़े पापा को बताती। अरे यार, मैं बदरक वाली चाय बना देता तेरे लिए। हाँ पर ये बाम लगा है ना तो ठीक हो जाएगा। तू कह रही है ठीक लग रहा है, लेकिन तू मुझे ठीक नहीं लग रही है। ठीक तो है? मैं ठीक हूँ बड़े पापा। वो मैं इसलिए आया था कि वो नीचे वो नीला है। अरे नहीं बेटा, बेटा मैं तो ये कहने आया था कि तुझे पेठा बहुत पसंद है। वो आगरे से कोई आया था पेठा लेकर, तो मुझे लगा कि सबसे पहले तुझे आके बताऊं। अरु बेटा, बात क्या है? नहीं बड़े पापा, सब ठीक है। वो मुझे लगा कि नील मुझे सरप्राइज देने आया है, पर ये तो उससे भी बड़ा सरप्राइज है। आई लव आगरा का पेठा, मैं भी खाने जा रही हूँ। ऑफर है तुम्हारे लिए, चुपचाप ले लेना प्लीज, मना मत कर। भाई बर्थडे आ रहा है आपका और हम सब ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। दम कमाल, धमाल, बेमिसाल टाइप्स। हाँ। और केक मंगवाएंगे आईफिल टावर से भी ऊंचा। और चॉकलेट केक तुझे बहुत पसंद है ना? थीम और ड्रेस कोड पे भी रिसर्च चल रही है, डिसाइड होते ही आपको बता दिया जाएगा। तेरा बर्थडे मतलब तेरा दिन, बता कैसे सेलिब्रेट करना चाहता है अपने बर्थडे को? नील, तेरा आरोही के साथ कोई प्लान वैन तो नहीं है ना? देख अगर होगा भी ना तो सुबह हमारी पूजा हो जाएगी और दिन में पार्टी कर लेंगे बस। हाँ, और वैसे भी डे हो या नाइट हो, हमें तो बस पार्टी से मतलब है। पर डेकोर मुझे अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा ना। हाँ तो ठीक है ना, तो अपना फुल एंड फाइनल डिसीजन बता दे हमें, उस हिसाब से फिर हम तैयारी कर लेंगे। हाँ ये भी सही रहेगा। साइलेंस प्लीज। आप सब लोग तो बेचारे का वाई वाई लेने लग गए। कोड, ड्रेस, थीम, अरे कंफ्यूज क्यों कर रहे? थोड़ा टाइम दीजिए, वो खुद बता देगा, फिर प्लान कर लेना, सिंपल। अच्छा ठीक है ठीक है, जैसा तेरा मन हो वो भी बता दे, लेकिन हमें जो करना है ना वो तो हम करके रहेंगे। हाँ हाँ। और इस बार तो तय कर लिया है कि तेरा बर्थडे इतना धूमधाम से मनाएंगे जैसा जिंदगी में कभी ना किया हो। अच्छा नील, आरोही तब तक आ जाएगी ना वापस मायके से? आरोही मायके गई है? हाँ बेटा, उसे स्वर्णा जी की बहुत याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए मायके चली गई, पर तेरी बर्थडे के पहले तो आ ही जाएगी ना। मां, आरोही से मैं बात कर लूंगी। अच्छा बेटा। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।